माननीय योगी जी के नेतृत्व में ये बात लगातार इस शासन के विचार की है कि जनता की समस्या को चारों तरफ से बहुआयामी तरीके से समाधान करना है और इसके लिए जो अनेक उपाय हैं उसमें विभागों से जो योजनाएं हैं वो प्रचारित प्रसारित कराई जा रही हैं, उनको ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, उनको समय सीमा पर पूरा करने के लिए उनको पात्रता के लिए सर्वे हो रहे हैं और समय समय पर विधायकों को भी ये निर्देश हैं कि वो क्षेत्रों में शिविर लगाकर जनता के दरवाजे पर जाकर उनकी समस्याओं का निदान करें। कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते वक़्त लोगों के घर बहुत आता जाता है वोट मांगने के लिए, प्रायः ये देखा जाता है कि जीतने के बाद वो और कामों में ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों का ये विचार है कि जनता हमारी माई बाप है, बच्चे को अपने माता पिता के दरवाजे में आने के लिए कभी शर्माना नहीं चाहिए। उसी क्रम में जब से मुझको मेरे क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से विधायक बनने का अवसर मिला, हम लगातार पूरे नगर में कैंप लगा रहे हैं, आप लोग इसके साक्षी हैं। छोटेलाल इंटर कॉलेज में भी शायद हमारा तीसरा चौथा कैंप है और लगातार इस बार फिर हम 10 कैंप लगाने वाले हैं। सर कितने कैंप? इन कैंपों में आप तहसील के सभी तहसीलदार या लेखपाल, समाज कल्याण से वृद्धावस्था पेंशन, महिला कल्याण से महिला विधवा पेंशन, कन्या सुमंगला योजना, भवन सन्निर्माण से श्रमिक पंजीयन, बूढ़ा डिपार्टमेंट से प्रधानमंत्री आवास शहरी, दिव्यांग डिपार्टमेंट से दिव्यांग पेंशन, दिव्यांग प्रमाण पत्र के लिए सीएमओ कार्यालय से टीम, इस प्रकार से सभी विभागों का राशन विभाग से राशन विभाग की टीम, इस प्रकार से सभी की मिलजुल कर एक नियोजन हो रहा है। इसमें हमारे क्षेत्रीय पार्षद, हमारे क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ पुराने सभी वरिष्ठ नेता और समाज सेवी, सभी लोग मिलजुल कर सहभागिता कर रहे हैं। इस सारे मिले जुले शिविरों का प्रायोजन केवल एक ही है, जनता की समस्या जितनी स्तर पर हो सके उसको निपटाना और योजनाओं के बीच में जो दलाल हैं उनको ख़त्म करना। और लगातार जब हम जनता के बीच में बैठते हैं तो हमको ये भी पता लगता है कि कोई योजना प्रचार प्रसार में कितनी आगे है और धरातल के आधार पर उसकी क्या पोजीशन है। यही बस मेरा आपका कहना था। कब तक कैंप चलेंगे इस तरह के? ये तो लगातार चलते रहते हैं। अब जैसे ये 10 दिन हम लगातार कैंप चलाएंगे, फिर अपने शिविर कार्यालय पे भी हम बैठते हैं, सरकारी विभाग भी अपने कार्यालयों पे काम करते हैं, तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है। हर चौथे छठवें महीने अगर हम जनता के द्वार पहुंचते हैं तो हमको वस्तु स्थिति भी तो पता लगती है। अलग अलग क्षेत्रों में भी लगेंगे? अलग अलग क्षेत्रों में लगते हैं, ये इसकी हम अभी आपको सूची भी दे रहे हैं या वहाँ आप देखें बोर्ड पर प्रदर्शित भी है।